गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी
भक्ति प्रद देवी सत्यवती नमो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सदस्य श्री श्रीमाद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सदस्य श्री श्रीमाद भक्ति वेदांत श्री लव नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता। उपस्थित समस्त भक्तों के चरण में यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे जब श्रीमान अद्वैत आचार्य सची मैया का आदेश को लेकर के श्री जगन्नाथपुरी आ रहे थे। जो जगन्नाथपुरी आ रहे थे तब वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कौन कौन आ रहे हैं, बोले महाप्रभु का सारे परिकर। अद्वैत आचार्य कौन है, ये सदा से महाविष्णु और उनके साथ में जितने भक्त लोग हैं, कहते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार सदस्य धाम साहब, कहते अपना परिकर और धाम को लेकर के आए और महाप्रभु का परिकर कोई साधारण व्यक्ति नहीं। कहते संपूर्ण गोलक वृंदावन का जो निकुंज मंदिर इन्होंने इसी मर्त्य जगत में प्रकट कर लिया और जहाँ वैष्णव का चरण धूलि पड़े जिधर होते हुए आ रहे हैं सब जगह में इनका चरण धूलि पड़ रहा है। कहते वैष्णव लोग जो जाते हैं क्यों जाते हैं, कारण है उनकी जो पांडव वर्जित स्थान है, कहते महाप्रभु अपना भक्तों को पांडव वर्जित स्थानों में जन्म दिया। क्यों, कहते वहां पर एक भक्त जन्म लेने पर उनका चरण धूलि पड़ने पर उसके प्रभाव से महाप्रभु चाहते हैं ये पृथ्वी धन्य हो जाए, भक्त लोग जाएंगे कीर्तन करेंगे नाम करेंगे। इसलिए यहाँ कह रहे हैं जहाँ पर वो भक्त लोग रुक करके कीर्तन करना शुरू कर देते हैं कहते वो स्थान ही गोलोक वृंदावन बन जाता है, भगवान का वो धाम बन जाता है। इसलिए वो आते आते कहाँ पर तक आए, कमलपुर तक आए। कमलपुर कहाँ पर है बोलो, हमारे उड़ीसा में है? पहले उसको कमलपुर पता नहीं कौन सा नाम बदल गया होगा, वो चंदनपुर तक पहुंचे, कमलपुर तक पहुंचे और वहाँ जो पहुंचे इतने में उन्होंने श्री जगन्नाथ जी को जो पता का झंडा को दर्शन किया, झंडा को दर्शन करते हुए वहीं से श्री जगन्नाथ जी को उन्होंने प्रणाम किया है। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की जय। और श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त आ रहे हैं इसलिए महाप्रभु यहीं से उन्होंने प्रसाद भेज दिया, जगन्नाथ जी की प्रसाद। क्योंकि हमारे उड़ीसा में क्या है, एक व्यक्ति का हम स्वागत कैसे करते हैं, जगन्नाथ जी का प्रसाद, जगन्नाथ जी की प्रसाद को द्वारा स्वागत करते हैं, यही हमारी परंपरा है। इसलिए जब इधर से कोई भक्त लोग जैसे कोई आते हैं यहाँ से क्या ले जाते हैं, जगन्नाथ जी का प्रसाद। बोले जगन्नाथ पुरी गए थे, प्रमाण क्या है, जगन्नाथ जी का प्रसाद, जगन्नाथ जी का प्रसाद दे दिया ना, बस समझ गए, क्या समझ गए कि जगन्नाथ पुरी से ये आ रहे हैं, यही जगन्नाथ जी का प्रसाद। और जगन्नाथ जी महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे सल्प पुण्यं बतंग राजन विश्वास देव जाए। इसलिए भगवान का प्रसाद साक्षात जगन्नाथ तुल्य ही जगन्नाथ जी की प्रसाद उनके बराबर है, इसलिए प्रसाद वहां तक भेजे उन्होंने। और जब चैतन्य महाप्रभु के साथ में अद्वैत आचार्य मिले, अद्वैत आचार्य की आनंद की सीमा नहीं रहा। कहते महाप्रभु क्या कह रहे हैं, सुतिया अचिन खीर समुद्र सागरी निद्रा भंग हैलम और नरार मुकारे। महाप्रभु प्रसन्न हो गए, बोले इसकी वजह से तो मैंने आया, मैं तो गोलोक वृंदावन में सो रहा था, हैं? इसने ऐसे आह्वान किया, ऐसे मेरे को बुलाया, उसने मेरे आसन को उसने
हिला दिया, आगे बस तगड़ा सा कर वो एडिट चढ़ गया उसे। इसलिए कहते मेरे आसन को उन्होंने हिला दिया, मेरे आसन को, बड़े महाप्रभु खुश हो रहे हैं। महाप्रभु हाँ, इसे अद्वैत आचार्य इसलिए अभी उधर से आ रहे हैं, गौड़िया भक्त आ रहे हैं, इधर उड़िया भक्त, गौड़िया और उड़िया हैं, दोनों भक्तों का एक साथ में मिलन हुआ। इधर श्री चैतन्य महाप्रभु सारे उड़िया भक्तों को लेकर गए थे। किसको किसको लेकर गए थे उड़िया भक्तों में, बताओ कौन कौन भक्त थे? कहते श्री सार्वभौम भट्टाचार्य थे, और श्री जगदानंद पंडित, काशी मिश्र, स्वरूप दामोदर शंकर, और जितने भक्त लोग थे आठरला में जाकर के दोनों भक्त दोनों में मिले। बोले दूरे देखी दुई गोष्ठी अन्य अन्य सब दंडवत है सब पड़ीला वैष्णव। इसलिए नियम क्या है, जब एक वैष्णव का दर्शन करते हैं, हमारी स्वागत कैसे है, पहले प्रणाम, सबको प्रणाम करते हैं वैष्णव। सबसे पहले महाप्रभु अपना जीवन में सिखा दे रहे हैं, इसलिए कोई वैष्णव का अगर हम देखते हैं क्या करनी चाहिए, ऐसे खड़े नहीं रहनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, अपना सर झुका करके प्रणाम करनी चाहिए। इसलिए कहते वैष्णव देखिया जब जब नाम हुआ नुआई मुंड तार मुंड पड़ गया कर नरकर कुंड। इसलिए अगर वैष्णव को देखा भाई खड़े रह गए नहीं, वैष्णव को देखे आए तो प्रणाम करनी चाहिए हैं। सवेरे सवेरे जब उठते हैं किस वैष्णव को मिल गए तो क्या करो, सवेरे सवेरे वैष्णव दर्शन करने पर ये मत समझा रही है तो मेरे सामने आया हैं, और अरे इसको तो जानता ही मेरे दोस्त है हैं, नहीं वैष्णव भजन करने सबके सब वैष्णव है। सवेरे सवेरे वैष्णव को दर्शन करने से क्या होता है, दिन भर हमारी अच्छे तरह से दिन हमारी अच्छे दिन बीतती है हैं। इसलिए उन्होंने वैष्णव को उन्होंने प्रणाम किया है, और प्रणाम करके कहते सबके सब हैं, सबके सब प्रणाम करके छोटे बड़े ज्ञानी अज्ञानी सब दंडवत किया है, और सबके सब निताई गौर प्रेमानंदे हरी हरी बोल। और जब एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को बड़े दिनों में क्यों साल में एक बार आते हैं, जब वैष्णव को दर्शन किए, वैष्णव दर्शन करके आंखों से आंसुओं की झड़ी बहने लगी, प्रसन्न होकर के आंखों से आंसुओं की सबके सब झड़ी बह रही थी। इसलिए एक दूसरों को क्या कर रहे थे, आंखों से आंसुओं से सबको भिगा रहे थे। और इसे अद्वैत आचार्य तो आनंद में आनंद की उनकी सीमा नहीं, अद्वैत आचार्य क्योंकि उन्होंने ही महाप्रभु जगत में जगत को लाने वाले वही है। इसलिए वो बारंबार कर मैं लाया हूँ, मैंने बुलाया, मैंने लाया लाया बोल करके जोर जोर से कह रहे हैं, क्योंकि उनको भक्ति से महाप्रभु जगत में आए। इसलिए मैंने मैंने उनको ले आया बारम्बार बोल रहे थे, और दोनों महाप्रभु अद्वैत आचार्य दोनों आलिंगन कर रहे थे और क्रंदन कर रहे थे, और जमीन पर लौट पोट खा रहे थे सबके सब। फिर जब नित्यानंद प्रभु पहले तो महाप्रभु का साथ में मिले, फिर नित्यानंद प्रभु का साथ में मिले, अद्वैत आचार्य दोनों मिलते ही दोनों को दोनों उन्होंने आलिंगन किए। बोले सर्व वैष्णव प्रभु धरी जने जने आलिंगन करे न परम प्रीति मने भक्तनाथ भक्त वास भक्ति जीवन भक्त गदाधरी प्रभु कर। यहाँ पर कह रहे महाप्रभु सब भक्तों को है, सब भक्तों का आदर दे रहे थे, सबको इज्जत दे रहे थे, एक एक भक्तों को आलिंगन कर रहे थे, एक एक भक्तों को आलिंगन करके यहाँ कह रहे भगवान कैसे हैं, बल भक्त ही जिनका नाद है, भक्त का बस है, भक्त ही जिनका जीवन है हैं। महाप्रभु भक्तों को आलिंगन करके प्रेम से भक्त को रो रहे थे चैतन्य महाप्रभु। अभी उन्होंने श्री जगन्नाथ जी का है जो आज्ञा वाला, जैसे हमारे नियम है, जैसे हम यहाँ से अगर कहीं जाते हैं क्या करते, अगर कोई वैष्णव आए ना जगन्नाथ जी का प्रसाद माला लेते हैं, लेकर उनको गले में प्रसाद माला हम देते हैं, जगन्नाथ जी का उनका प्रसाद माला और जगन्नाथ जी वो एक ही वस्तु है। इसलिए कोई आए तो उनकी प्रसाद माला को हम लेकर के उनको गले में पहनाते हैं, प्रसाद माला देते हैं। इसलिए उन्होंने प्रसाद जगन्नाथ जी का आज्ञा माला उन्होंने लेकर के सवारी, महाप्रभु स्वयं अपना हाथों से सब चंदन लगाया और जगन्नाथ जी का प्रसाद माला ले गए थे,
सबको गले में उन्होंने प्रसादी माला उन्होंने दिया है। जब दे रहे थे सबके सब महाप्रभु का चरण धरकर रो रहे थे, बोले की मनुष्य की पशु हई जथा तथा तुम्हारे चरण जैन देखिए सर्वदा। भक्त लोग क्या प्रार्थना करते, बोले प्रभु अगर हमें कहीं पशु पक्षी कीड़े मकोड़े रूप में अगर कहीं भी जन्म हो, कैसे जन्म हो, कहते प्रभु जैसे आपको दर्शन जैसे हमें मिले, आपका भक्त हो करके हमारी जन्म हो। कहते जितने वैष्णव लोगों का जितने पत्नियां यहाँ पर तो पुरुष पुरुष लोग मिल रहे थे, लेकिन स्त्रियों का तो मर्यादा है, अभी तो सारी मर्यादा पता टूट रही है, इसलिए अभी लड़का लड़की और लड़की लड़का हो रहे सब, इसलिए पहले पहले जो मर्यादा था स्त्रियां दूर से खड़ी होती थी, पुरुष लोग मिलते थे आपस में, लेकिन वो वैष्णवी है, अभी वैष्णवी है उनका व्यवहार, अभी गाँव में ही समझी, अभी शहर में धीरे धीरे चीज शहर से नष्ट होते जा रहे, लेकिन ये लोग क्या सोच रहे हैं, अरे हम तो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इससे गंधा जगत में कुछ है, इससे गंधा दुनिया में कुछ नहीं है, इसलिए जितने जितने हम अपना संस्कृत को भूलेंगे उतना ही नीचे गिरेंगे, ऐसे नहीं ऐसा आधा कपड़ा पहन करके मस्ती से घूमेंगे, ये दो दिन बाद में लड़ाई झगड़ा पति पत्नी अशांति बास, दो दिन बाद में कुछ हो गया तू जा पर मैं जा रहा है, दो दिन बाद दोनों ही दुखी, ये भी दुखी वो भी दोनों ही दुखी रहेंगे, और उधर लात खाएंगे उधर भी लात खाएंगे, उधर लात खाएंगे, इसलिए हमारी की संस्कृति नहीं, इसलिए वो दूर से दर्शन करके वो वैष्णव का पत्नियां है, वो भी साधारण व्यक्ति नहीं भक्तिमती सबके सब, इसलिए उनकी दर्शन करते हुए वो भी रो रहे थे, वो भी प्रसन्न गदगद सबके सब रह रहे थे, बोले हे नकली राम कृष्ण जसदा गोविंद जल के लिए करीबारे आईला नरेंद्र, जैसे नरेंद्र सरोवर है, कभी जब मिल रहे थे इतने में जितने हमारे उड़िया भक्त श्री मदन मोहन को लेकर के जाते हैं ना चंदन सरोवर में ठाकुर जी जल विहार करते हैं, और जितने उड़ीसा के भक्त मृदंग पखवाज करताल लेकर के और भेरी बजा बजाते कीर्तन करते करते गए, फिर इधर उड़िया उधर फिर गौड़िया भक्त, फिर दोनों का वहां पर भी मिलन हुआ, और दोनों मिलकर के भक्तों के साथ में वहां पर गए, जा करके उन्होंने वहां मदन मोहन तो जल विहार करते हैं, जल विहार कैसे करते हैं, यहाँ पर महाप्रभु भी अपना भक्तों को साथ में उसी सरोवर में चंदन सरोवर में जल विहार किया, बोल रहे कि जैसे कृष्ण वृंदावन में रहते समय जैसे कहाँ जल विहार करते थे श्री यमुना जल, यदि यहाँ पर भी महाप्रभु अपना भक्तों को साथ में जल विहार कर रहे थे, और जल विहार करते 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 खेल रहे थे, बोले कैसे देखने देखे होंगे जैसे पानी में ना ऐसे ऐसे थप्पड़ मारते, और पानी में अब कान लगाकर देखो जैसे करके बाजा जैसे बजती है ना आवाज होती है, हैं जैसे बचपन में बच्चे जैसे खेलते हैं पानी को ऐसे ऐसे थप्पड़ मारो और कान लगाओ उसमें क्या आवाज आता है, ऐसे ही महाप्रभु भी भक्तों के साथ में ये जल क्रीड़ा कर रहे थे, और महाप्रभु और अद्वैत आचार्य दोनों में पता ना कभी जल में ऐसे पानी मारते हैं जोर से मारते हैं पानी, और वो भी उनको बड़े जोर से मारते हैं, मारते मारते कभी नित्यानंद प्रभु फेल हो कभी अद्वैत आचार्य फेल कभी महाप्रभु फेल हो जाते थे, दोनों दल में जल विहार में जल क्रिया करते बड़े आनंद में कर रहे थे, हैं इसलिए कहते सबके सब इतने सारे भक्त लोग जल क्रीड़ा कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग देख करके महाप्रभु कर दिए कैसे सन्यासी, अरे सन्यासी का धर्म ही है कभी हंस रहे कभी रो रहे कभी नाच रहे, ये कोई सन्यासी धर्म है, अरे सन्यासी का धर्म क्या है, इनका धर्म तो आसन प्राणायाम वेदांत छोड़ कर की पता नहीं ये का नाच गान कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये जल क्रीड़ा कर रहे हैं, इसलिए महाप्रभु जीव उद्धार करने के लिए ये सब के सब क्रीड़ा कर रहे हैं, क्रीड़ा कब करते क्रीड़ा में आनंद है, और एक जगह में मुंह सुखा करके एक जगह में बैठ रहो आंख बंद करके उसमें बड़ी आनंद है, हैं अनंत खेल में हैं अनंत जल विहार में अनंत लीला में आनंद है, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं महाप्रभु जो जल क्रीड़ा कर रहे थे भक्तों के साथ में अगर इसको कोई श्रवण करेगा उसको सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाएगा, बोले जे प्रसाद पाई लेने जाना वीरत जमुना नरेंद्र जल रही सही भाग्य सीमा, यहाँ पर कह रहे हैं
जो प्रसाद जाह्नवी, जाह्नवी मतलब गंगा, महाप्रभु लीला की यमुना, महाप्रभु कृष्ण ब्रज में ब्रज गोपियों के साथ लीला की, कहते जो सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ आज वो सौभाग्य नरेंद्र सरोवर प्राप्त हुआ। धीरे कहते नरेंद्र सरोवर कितने सौभाग्य, ये नरेंद्र सरोवर सख्यात जगन्नाथ सख्यात मदन मोहन तो जल पीड़ा कहते हैं महाप्रभु भी सारे भक्तों को लेकर के नित्यानंद अद्वैत चैतन्य महाप्रभु सारे भक्त जहाँ पर जल पीड़ा कर रहे थे और भक्त लोग जिस लीलाओं को दर्शन करते हुए आंखों से आंसू बहा रहे थे, एक तरफ में सचल जगन्नाथ और एक तरफ में अचल जगन्नाथ, अचल जगन्नाथ ये है मदन मोहन और एक तरफ में सचल जगन्नाथ श्री चैतन्य महाप्रभु, जहाँ पर दोनों को श्री नरेंद्र सरोवर में जहाँ दोनों को मिलन होता था। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, बोले श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की, निताई गौर ब्रह्मानंद हरि हरि। हाँ देखो जो लोग देख रहे हैं आज मेरा भी थोड़ा देर हो गया, जो लोग देख रहे हैं कल से हम ये कथा को अभी धीरे 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 पुरी में धीरे धीरे सूर्य जल्दी जल्दी डूब जाते हैं, धीरे धीरे अंधकार हो जाता है, कल से ये कथा थोड़ी सी और जल्दी कथा करेंगे और ठीक इसी समय पर कथा को हम विश्राम दे देंगे और ठाकुर जी की आरती होगी। ठीक है अब ठीक है, मैं गोटे काम कर रहा हूँ, मुझे आज से छोटे आरती कर देवी साढ़े छोटे अपना कथा करा दो साढ़े छोटे बंद नहीं। ठीक है नहीं दो दिन तो महाराज बीच में है, हाँ और दो दिन बीच में अच्छा पढ़े जी भी हमारे कर अब महाराज जब तक हैं तब तक हाँ ऐसा ठीक है ना अगर ठीक है सर हाँ जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय। और दो दिन बाद में मैं फिर दिल्ली जाऊंगा, फिर पता नहीं वहाँ क्या होगा कथा उधर देखेंगे और इधर तुम लोग कथा करना सबके साथ तभी गोटे दिन तपन गोटे दिन गौर हरि की जय। हरि गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।